Hello guys, my name is Vibhav Sharma and welcome back to my channel. So, आज हमारे पास ये achromatic lens है, duplet achromatic lens, जिसकी focal length 500 mm है और diameter इसका 75 mm है, यानी कि जो उसका aperture है वो 75 mm है और जितना बड़ा aperture होता है उतना ही अच्छा जो है वो आपका telescope बनता है. आई मीन जैसे कि मैंने पहले भी एक टेलीस्कोप बनाया था और उससे मैंने ये छोटा सा लेंस यूज़ किया था और ये इसका जो डायमीटर है यानी कि इसका जो अपर्चर है वो 50 मिलीमीटर था, यानी कि 5 सेंटीमीटर्स, और जो उसकी फोकल लेंथ थी वो 100 मिलीमीटर्स थी, ज़्यादा नहीं थी, 100 मिलीमीटर्स थी. और मैंने उसके लिए ऐसी कुछ ट्यूब बनाई थी, ऑप्टिकल ट्यूब, ये यहाँ पर लगा हुआ था और इससे ठीक ठाक दिख जाता था. प्लैनेट्स थोड़े बहुत दिख जाते थे, ठीक ठाक दिख जाते थे मतलब कि, और लूनर ऑब्जर्वेशन भी इससे होती थी, पर डीप्स का ऑब्जेक्ट्स इससे नहीं दिख पाते थे. और मैंने इसके साथ यहाँ पर ये लेज़र भी लगाई थी, देख सकते हैं, और मैंने इसके साथ ये फाइंडोस्कोप और यहाँ पर ये माउंट के लिए ये लगाया था, इसके मैंने माउंट जोड़ा था अपना और ठीक ठाक था. लेकिन अब मैंने सोचा कि क्यों ना इसे अपग्रेड किया जाए, तो मैंने ये आनंद ट्रेडर्स से ये लेंस मंगवा लिया. और मैंने अभी 4mm प्लाजो आई पीस भी ऑर्डर किया है और एक बार्लो लेंस भी ऑर्डर किया है, उसकी भी जल्दी मैं वीडियो जो है बनाऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा उसे. और अगर आपने मेरी अनबॉक्सिंग वाली वीडियो नहीं देखी इस लेंस की तो वो भी जाकर आप देख लीजिए. और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू.